पर्यावरण के सर्वांगीण विकास के दृष्टि से होलिस्टिक डेवलपमेंट की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आहूत किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उसका ही एक कार्यक्रम विभाग स्तर का कार्यक्रम है। सभी विभागों में यह कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। पटना विभाग का कार्यक्रम जब होना था कोई ना कोई ग्रहण लग जाता था। रमेश जी बताते थे कि श्रीमान हम क्या करें, कई बार इन्होंने तिथि बदली, कई बार हमने समय इनको दिया, लेकिन अंततः आज उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं। रमेश जी को, प्रथमाचार्य जी को, अभय जी को साधुवाद है कि नाना करते करते कार्यक्रम का उद्घाटन हो रहा है। साधुवाद। मित्रों, एक फिल्म आई थी उसकी चर्चा हम अक्सर करते हैं, तारे जमीन पर। क्या भैया मन भी देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं बोल रहा हूं देखना चाहिए। उसके पात्र है, पात्र से मेरा मतलब नहीं है, पात्र सुनना हमारा रुचि का विषय नहीं है पात्र, लेकिन जो शिक्षा उसमें है इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं, देखे है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर एक बार देख लेंगे शिक्षा के दृष्टि से। शिक्षा के लिए उसमें दिखाया गया है, एक याद दिला देते हैं आप लोगों को, हमको लग रहा है कि याद दिलाना चाहिए। तो उसमें एक विद्यालय है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें एक बालक है जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं रहता, वो पढ़ने लिखने में बड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर है, बहुत इतना कमजोर है कि विद्यालय में वो हंसी का पात्र बन गया। उसके सहपाठी भी हंसते थे इसको कुछ नहीं आता, होता है ना आप लोग, होता है सबके विद्यार्थी जीवन में होता है, जो थोड़ा कमजोर था लोग हंसते हैं, बच्चे मित्र हंसते हैं, चलिए मित्र सहपाठी हंसते थे इसको कुछ नहीं आता है, तो भोदू है इसको कुछ नहीं आता है। यहां तक है कि जो शिक्षक की मंडली थी, जो विद्यालय में जो आचार्य नहीं थे, विद्यालय सरकारी था, दिखाया गया कि वो सभी शिक्षक भी उसका मजाक उड़ाते उस बालक, अरे इसको कुछ नहीं आता है, छोड़ना इस तरह का, इसके पीछे पड़ना है, पढ़ेगा तो बाबा, नहीं पढ़ेगा तो वाह, ऐसा मानकर चल रहा है विद्यालय। इसी क्रम में एक नए शिक्षक की भर्ती होती है, बीपीएससी से क्या बीपीएससी कर रहा है, तो ऐसे एक नए शिक्षक की भर्ती होती है स्कूल में। जैसे वो नए शिक्षक पहला दिन विद्यालय आए, बच्चा सबका स्वभाव है, बच्चा सबका स्वभाव है, बच्ची सबका स्वभाव है, दौड़े दौड़ के सर जानते हैं इसको कुछ नहीं आता है, ये जो है ना इस नाम का लड़का उसको कुछ नहीं आता है सर आपको बता देते हैं। अब वो जहां खोले जो बालक से मिले, अरे उसको कुछ नहीं आता है सर, नया सर थे अपना परिसर से व्यवस्था से परिचय करा रहा था बालक, टीचरों की बात नहीं कर रहे, वो तो बड़ी कमजोर है इसको कुछ नहीं आता है। वो नया शिक्षक जो है चुपचाप इस विषय को सुन रहे हैं, दो दिन चार दिन दस दिन पंद्रह दिन बीस दिन चलते रहा, इसको कुछ नहीं आता, ये बालक कैसा है इसको कुछ नहीं आता है। वो शिक्षक नया जो सुनते रहा कुछ बोला, वो शिक्षक बोलता नहीं था। एक दिन पंद्रह बीस दिन बीतने के बाद वो बालक गया और बड़ी प्यार से उस बच्चे के कंधे पर हाथ लगा, कहा क्या हाल चाल बताओ, क्या नाम है तुम्हारा, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है। बालक थरथर थरथर कांप रहा था, भाई सब लोग हमको दूध काटता है, कांप रहा है, बड़ी प्यार कर रहे हैं हमके शिक्षक नए वाले, डरते डरते बोला कि सब ठीक है, पढ़ते